सीट पर बीजेपी ने अपना कब्जा कायम रखा। कांग्रेस की तरफ से अलीराजपुर सीट पर मुकेश पटेल, जोबट विधानसभा से कलावती भूरिया, थांदला विधानसभा से वीर सिंह भूरिया, पटलावद विधानसभा से बाल सिंह मीणा ने जीत दर्ज की, तो वहीं झाबुआ विधानसभा सीट पर बीजेपी के कुमार सिंह डामोर ने जीत दर्ज की। जिले की चार विधानसभा जीतने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल रहा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि जनता ने उन्हें जो जिम्मेदारियां दी हैं उसे वो हर हाल में पूरा करेंगे। कांग्रेस नेताओं ने सरकार बनने के 10 दिनों के भीतर किसानों की कर्ज माफ करने की बात भी कही है। ये सीट हमारी, सभी हमारे क्षेत्र के मतदाता भाई और सारे कार्यकर्ता हमारे और सभी नेता एकजुट होकर के हम चुनाव लड़े, इसका परिणाम। प्रदेश में अब कांग्रेस सरकार की तैयारियां हैं, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर फैसला होना बाकी है। लेकिन बताया जा रहा है कि कमलनाथ सबसे ज्यादा लोकप्रिय चेहरे हैं। इस वक्त मुकेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, मध्य प्रदेश में जीत दर्ज की, हालांकि बहुत मार्जिन, कम मार्जिन से जीत दर्ज की गई है कांग्रेस के द्वारा, लेकिन मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर क्या सवाल उठ रहे हैं? साथ ही साथ किसानों के कर्ज माफी का जो वादा किया था राहुल गांधी ने, उसको लेकर क्या विचार है पार्टी का? जिस तरह की आपको बताता हूँ, मध्य प्रदेश में एक चेहरे हैं जो पूर्ण बहुमत यूपी ने और मायावती ने जैसे ही अभी कांग्रेस को समर्थन दिया तो इतनी सीटों का पूर्ण बहुमत मिल गया और सरकार बनने की खुला जिक्र हो गया उनका। तो ये कहीं ना कहीं ये है मुख्यमंत्री कमलनाथ होगा या ज्योतिराज सिंधिया, इन चेहरों को लेकर अपने अपने समर्थन आपस में कयास बनाए रखते हैं। वो चार बजे के अभी करीबन अभी विधायक के दल की बैठक होगी, उसमें तय किया जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा मध्य प्रदेश। बिल्कुल, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस बारे में जानकारी देने के लिए। फिलहाल आपके ब्रेक का, जल्द वापस आऊंगा।